यहाँ पर भाई अगर आप 25,000 रुपये के अंदर एक सबसे ज़्यादा बेस्ट एंड सबसे बढ़िया लैपटॉप परचेस करना चाहते हो भाई, तो आप यहाँ पर एकदम सही वीडियो पर क्लिक किए हो, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे टॉप 5 बेस्ट लैपटॉप अंडर 25,000 बजट। 25,000 रुपये के अंदर पाँचों लैपटॉप का नाम मैं आपको बताऊँगा जो सबसे ज़्यादा बेस्ट सबसे बढ़िया है अभी के टाइम में। तो अगर आपका बजट 25,000 रुपये है तो आज की इस वीडियो को ज़्यादा से लास्ट तक देखना। उससे पहले भाई चैनल पर नहीं आ रहे हो और ऐसे बेस्ट लैपटॉप का वीडियो आप फ्यूचर पे हमारे यूट्यूब चैनल पे देखना चाहते हो तो भाई फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन आपको दिख रहा है उसको आप ऑल पर सिलेक्ट कर लेना, क्योंकि फ्यूचर पे ऐसे ही आपको टॉप 5 बेस्ट लैपटॉप के वीडियो बहुत सारे हमारे यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलते रहेंगे। तो चले दोस्तों आज की इस कमाल के वीडियो को हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर भाई आप देखो जो पाँचों लैपटॉप का नाम मैं आपको बताऊँगा वो अभी के टाइम में 25,000 रुपये के अंदर सबसे ज़्यादा बेस्ट एंड सबसे वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप हो जाता है। और उसके साथ साथ नंबर वन पे जो लैपटॉप मैं आपको बताऊँगा, जी हाँ भाई, यहाँ पर नंबर वन पे जो लैपटॉप मैं आपको बताऊँगा वो सबसे बेस्ट यानी सबसे टॉप रैंक का लैपटॉप हो जाता है अभी के टाइम में 25,000 बजट के अंदर। तो वीडियो को बिना एक सेकंड स्किप करते हुए लास्ट तक देखते रहो। तो यहाँ पर भाई नंबर 5 पे जो आपको लैपटॉप देखने को मिलता है वो भी काफ़ी बढ़िया है 25,000 रुपये के अंदर। अगर आपका बजट 25,000 रुपये से थोड़ा सा नीचे है यानी 25,000 रुपये से थोड़ा सा यहाँ पर नीचे है तो ये जो नंबर 5 जो लैपटॉप का नाम मैं आपको बताऊँगा वो सबसे बेहतर आपके लिए होने वाला है। जी हाँ भाई, इसका नाम है यहाँ पर अबिता सैटस अल्टीमस S111। जी हाँ, अबिता सैटस अल्टीमस S111 लैपटॉप 25,000 के नीचे काफ़ी बढ़िया लैपटॉप हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको 14.1 इंच का फुल HD IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले देखने को मिल जाता है इस लैपटॉप के अंदर, जो बहुत ही बढ़िया बात हो जाता है। इसकी प्रोसेसर की बात करें तो इंटेल सेलेरॉन N4020 का आपको प्रोसेसर देखने को मिलता है इंटेल की तरफ से, जिसका बेस क्लॉक स्पीड है 1.1 GHz एंड मैक्सिमम सबसे ज़्यादा 2.8 GHz का क्लॉक स्पीड आपको देखने को मिलता है एंड 4 MB के L3 कैचे मेमोरी आपको देखने को मिलता है इस लैपटॉप के अंदर। उसके साथ साथ इस प्रोसेसर के अंदर आपको 2 कोर एंड 2 थ्रेड्स का सपोर्ट देखने को मिलता है जो बहुत ही बढ़िया है एंड 4 GB का LPDDR रैम देखने को मिलता है जिसको आप एक्सपेंडेबल नहीं कर पाओगे यानी कोई भी एक्स्ट्रा स्लॉट आप एक्सपेंड नहीं कर पाओगे। उसके साथ साथ 128 GB का M.2 NVMe SSD आपको देखने को मिलता है जो एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बात हो जाता है। उसके साथ साथ इंटेल UHD 600 का आपको ग्राफिक्स देखने को मिलता है अभी तक सैटस अल्टीमस S111 लैपटॉप के अंदर। उसके साथ साथ आउट ऑफ द बॉक्स आपको विंडोज 11 देखने को मिलता है इस लैपटॉप के अंदर और ऑल नेसेसरी पोर्ट्स आपको मिलता है। 6 से 7 घंटे का आपको बैटरी लाइफ देखने को मिलता है। जी हाँ, 6 से 7 घंटे का आपको आराम से इस अभी तक सैटस अल्टीमस S111 लैपटॉप के अंदर आपको बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा जो बहुत ही बढ़िया बात हो जाता है। उसके साथ 1.3 kg का आपको लाइट वेट लैपटॉप देखने को मिलता है अभी तक सैटस अल्टीमस। अब इसकी प्राइस की बात करें भाई तो अमेजोन पे 19,500 रुपये, जी हाँ 19,500 रुपये के अंदर ये काफ़ी बेहतर लैपटॉप हो जाता है। तो अगर आप 25,000 रुपये अफोर्ड नहीं कर पाओगे, आपके पास सिर्फ भाई 20,000 रुपये है, तो इसको आप परचेस कर लेना अभी तक सैटस अल्टीमस लैपटॉप, बहुत ही बढ़िया वैल्यू फॉर मनी हो जाता है 25,000 रुपये के नीचे में, ठीक है ना। तो इसका बेस्ट बाइंग लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो पर आगे बढ़ते हैं और भी लैपटॉप हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर भाई नंबर 4 पे जो आपको लैपटॉप देखने को मिलता है ये दोस्तों एसर की तरफ से। जी हाँ भाई, अगर आप एसर जैसा इतना बढ़िया ब्रांड का एक बहुत ही बढ़िया लैपटॉप परचेज करना चाहते हो 25,000 बजट के अंदर, तो ये जो एसर का Aspire 3 लैपटॉप है, जी हाँ भाई, एसर Aspire 3 लैपटॉप आपके लिए काफ़ी बढ़िया होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपको 14 इंच का HD डिस्प्ले देखने को मिलता है। जी हाँ भाई, यहाँ पर आपको 14 इंच का HD डिस्प्ले मिलता है और AMD का 3020E डुअल कोर का आपको प्रोसेसर देखने को मिलता है जिसका मैक्सिमम सबसे ज़्यादा क्लॉक स्पीड है 2.6 GHz एंड बेस क्लॉक स्पीड आपको 1.2 GHz का देखने को मिलता है। उसके साथ इस प्रोसेसर के अंदर आपको 2 कोर एंड 2 थ्रेड्स का आपको सपोर्ट देखने को मिलता है एंड 2 कोर एंड 2 थ्रेड्स का आपको सपोर्ट मिलता है। उसके साथ 4 MB के L3 कैचे मेमोरी आपको देखने को मिलता है। इसकी रैम एंड स्टोरेज की बात करें 4 GB का DDR4 रैम देखने को मिलता है, 2400 MHz रैम स्पीड है जिसको आप 8 GB तक एक्सपेंड कर पाओगे। उसके साथ साथ 256 GB का M.2 SSD का सपोर्ट आपको देखने को मिलता है इस एसर Aspire 3 लैपटॉप के अंदर और यहाँ पर आपको बहुत सारा अच्छा खासा ग्राफिक्स कार्ड भी मिल जाता है, जैसा कि AMD Radeon ग्राफिक्स आपको मिलता है इस लैपटॉप के अंदर। विंडोज 11 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है जो बहुत ही बढ़िया है एंड यहाँ पर आपको 6 घंटे का बैटरी लाइफ देखने को मिलता है। जी हाँ, आराम से 6 घंटे का आपको बैटरी लाइफ देखने को मिल जाएगा एसर Aspire 3 लैपटॉप के अंदर और ऑल नेसेसरी स्पोर्ट्स आपको देखने को मिल जाता है एसर Aspire 3 लैपटॉप के अंदर।
इसकी प्राइस की बात करें भाई तो अमेजोन पे 22,480 रुपया जी है, 22,480 रुपया जी है, 22,480 रुपया के अंदर ये जो एसर एस्पायर 3 लैपटॉप है 25,000 रुपया के अंदर यानी 25,000 रुपया के अंदर वन ऑफ द बेस्ट बढ़िया लैपटॉप हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा खासा प्रोसेसर के साथ बहुत ही बढ़िया चीज़ देखने को मिलता है, यानी सारे फीचर्स आपको बहुत ही बढ़िया देखने को मिलता है। इसके अंदर आप बहुत ही अच्छा खासा काम कर पाओगे, ऑफिस यूज़ के लिए, स्टूडेंट यूज़ के लिए, गेमिंग के लिए या फिर कोई भी काम आप करोगे तो बहुत ही बढ़िया लैपटॉप चलने वाला है, तो इसको भी आप कंसिडर कर सकते हो। तो यहाँ पर भाई नंबर 3 पे जो आपको लैपटॉप देखने को मिलता है वो दोस्तों ASUS की तरफ से। जी हाँ भाई, अगर आप ASUS जैसा इतना बढ़िया ब्रांड का एक बहुत ही बढ़िया 25,000 रुपये के अंदर लैपटॉप परचेस करना चाहते हो तो ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया चॉइस होने वाला है। जी हाँ भाई, इस लैपटॉप का नाम है ASUS Vivo Book 15। जी हाँ, ASUS Vivo Book 15 काफ़ी बढ़िया लैपटॉप है, क्योंकि यहाँ पर आपको 15.6 इंच का HD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले मिलता है, तो डिस्प्ले यहाँ पर काफ़ी बढ़िया आपको देखने को मिलता है एंड यहाँ पर काफ़ी बड़ा देखने को मिलता है। 220 निट्स का आपको ब्राइटनेस मिलता है जो बहुत ही बढ़िया है। इस लैपटॉप की प्रोसेसर की बात करें तो इंटेल सेलेरॉन का 9th जनरेशन का N4020 का प्रोसेसर मिलता है जो बहुत ही बढ़िया बात है। इस प्रोसेसर का बेस क्लॉक स्पीड की बात करें तो 1.1 गीगाहर्ट्ज़ एंड मैक्सिमम सबसे ज़्यादा 2.8 गीगाहर्ट्ज़ का क्लॉक स्पीड देखने को मिलता है एंड इस प्रोसेसर के अंदर आपको 2 कोर एंड 2 थ्रेड्स का आपको सपोर्ट मिलता है, यानी 2 कोर एंड 2 थ्रेड्स का सपोर्ट देखने को मिलता है। 4 MB का L3 कैचे मेमोरी आपको देखने को मिलता है एंड रैम एंड स्टोरेज की बात करें तो 4 GB का DDR4 रैम ऑन बोर्ड रैम मिलता है एंड जिसको आप 8 GB तक एक्सपेंड कर पाओगे। उसके साथ साथ 256 GB का M.2 NVMe SSD का सपोर्ट आपको देखने को मिलता है भाई, ठीक है ना। ग्राफिक्स कार्ड की बात करें भाई तो इंटीग्रेटेड इंटेल USD 600 आपको ग्राफिक्स कार्ड देखने को मिलता है इस लैपटॉप के अंदर एंड आउट ऑफ द बॉक्स आपको विंडोज़ 11 का सपोर्ट देखने को मिलता है एंड 6 घंटे का आपको बैटरी लाइफ देखने को मिलता है। जी हाँ भाई, आराम से आपको 6 घंटे का बैटरी लाइफ देखने को मिल जाएगा ASUS Vivo Book 15 लैपटॉप के अंदर। और यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है, उसके साथ वगैरह वगैरह बहुत ही अच्छा खासा आपको फीचर्स भी देखने को मिल जाता है इस ASUS Vivo Book 15 लैपटॉप के अंदर। इसकी भाई प्राइस की बात करें तो Amazon पे 25,990 रुपया। जी हाँ भाई, यहाँ पर 25,990 रुपये के आसपास ये आपको देखने को मिल जाएगा। हालांकि इसका प्राइस 990 रुपया थोड़ा सा ज़्यादा है, तो यहाँ पर आप बैंक ऑफर क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड लगा कर परचेस कर लेना या फिर ऑफर पे परचेस कर सकते हो। तो 24 से लेकर 25,000 रुपये के बीच में ये जो ASUS का Vivo Book सीरीज का Vivo Book 15 लैपटॉप है 25,000 बजट के अंदर भाई सच में यार मेरा बात मानो काफ़ी बढ़िया लैपटॉप हो जाता है। तो इसका भी बेस्ट बाइंग लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा, तो आप चाहो तो इसको भी परचेस कर सकते हो। तो यहाँ पर भाई, यहाँ पर नंबर 2 पे जो आपको लैपटॉप देखने को मिलता है वो दोस्तों HP की तरफ से। जी हाँ भाई, यहाँ पर HP जैसा इतना बढ़िया ब्रांड का अगर आप एक बहुत ही बढ़िया बहुत ही पावरफुल लैपटॉप परचेस करना चाहते हो 25,000 बजट के अंदर तो ये लैपटॉप आपके लिए काफ़ी बढ़िया चॉइस होने वाला है। जी हाँ भाई, इसका नाम है HP 14S। जी हाँ, HP 14S लैपटॉप 25,000 बजट के अंदर बहुत ही बढ़िया लैपटॉप है, क्योंकि यहाँ पर आपको 14 इंच के HD डिस्प्ले मिलता है 250 निट्स के ब्राइटनेस के साथ जो बहुत ही बढ़िया है। भाई, इस लैपटॉप की प्रोसेसर की बात करें तो इंटेल पेंटियम सिल्वर N6000 का आपको बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर देखने को मिलता है। इस प्रोसेसर का बेस क्लॉक स्पीड है 1.10 गीगाहर्ट्ज़ एंड मैक्सिमम सबसे ज़्यादा भाई 3.30 गीगाहर्ट्ज़ का आपको हायर क्लॉक स्पीड का सपोर्ट देखने को मिलता है इस लैपटॉप के अंदर जो बहुत ही बढ़िया है एंड 4 कोर के साथ 4 थ्रेड्स का आपको सपोर्ट देखने को मिलता है भाई, यानी HP 14S लैपटॉप काफ़ी पावरफुल लैपटॉप हो जाता है 25,000 बजट के अंदर। रैम एंड स्टोरेज की बात करें भाई तो 8 GB का आपको DDR4 रैम मिलता है, यहाँ पर 2933 MHz जिसका रैम का स्पीड है बहुत ही बढ़िया स्पीड है, 2933 MHz का रैम का ऑनबोर्ड स्पीड देखने को आपको मिलता है एंड 256 GB का M.2 NVMe SSD आपको देखने को मिलता है इस लैपटॉप के अंदर जो बहुत ही बढ़िया बात है। और उसके साथ भाई, इस HP 14S लैपटॉप के अंदर आपको इंटेल का USD ग्राफिक्स देखने को मिलता है जो बहुत ही बढ़िया है। आउट ऑफ द बॉक्स आपको विंडोज़ 11 मिलता है, MS Office 2021 आपको लाइफ टाइम तक मिलता है। अब भाई बैटरी बैकअप की बात करें तो 4 से 5 घंटे का आपको आराम से बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा HP 14S लैपटॉप के अंदर जो बहुत ही बढ़िया है एंड 1.3 kg का आपको वेट देखने को मिलता है, बिल्ट इन एलेक्सा आपको सब कुछ देखने को मिलता है एंड फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। जी हाँ भाई, 50% बैटरी यहाँ पर 40 मिनट के अंदर चार्ज हो जाएगा HP 14S लैपटॉप के अंदर,
जो बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पर इस HP 14S लैपटॉप के हम लोग प्राइस की बात करें तो 27,149 रुपया जी है, 27,149 रुपया के अंदर Amazon के अंदर ये लैपटॉप आपको देखने को मिल जाएगा। यानी प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इसको आप ऑफर पे परचेस कर लेना, क्योंकि भाई देखो इसको मैं नंबर 2 पर रखा है, क्योंकि काफ़ी पावरफुल काफ़ी बढ़िया लैपटॉप ये हो जाता है 25,000 बजट के अंदर। यहाँ पर आपको प्रोसेसर भी काफ़ी पावरफुल मिलता है, रैम एंड स्टोरेज यानी SSD एंड रैम वो भी काफ़ी बढ़िया देखने को मिलता है, इसलिए मैंने इसको नंबर 2 पर रखा है। तो आप चाहो तो ऑफर पे या फिर बैंक ऑफर, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड कोई भी चीज़ लगा के परचेस करोगे तो यहाँ पर आराम से ये जो HP 14S लैपटॉप है आपको 24 से लेकर 25,000 बजट के अंदर देखने को मिल जाएगा, तो इसको भी आप परचेस कर सकते हो। तो यहाँ पर भाई नंबर 1 पे जो आपको लैपटॉप देखने को मिलता है 25,000 बजट के अंदर, वो भाई सबसे बढ़िया एंड सबसे बेस्ट लैपटॉप हो जाता है अभी के टाइम में। जी हाँ भाई, ये लेनोवो की तरफ से, जी हाँ ये लेनोवो का ये लैपटॉप भाई, मेरा बात मानो आप, ये सबसे बढ़िया लैपटॉप है अभी के टाइम में 25,000 बजट के अंदर। तो आँख बंद करके इस लैपटॉप को परचेस कर सकते हो, क्योंकि बहुत ही बढ़िया स्पेसिफिकेशन के साथ ये लैपटॉप आता है। इसका नाम है भाई लेनोवो V15। जी हाँ, लेनोवो V15 काफ़ी बढ़िया लैपटॉप है, क्योंकि यहाँ पर आपको 15.6 इंच का फुल HD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले मिलता है। यहाँ 15.6 इंच का फुल HD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले के साथ बहुत ही बढ़िया ये लैपटॉप हो जाता है। तो यहाँ पर इस लेनोवो V15 लैपटॉप की प्रोसेसर की बात करें तो AMD का Ryzen 5th जनरेशन का 35300 यानी 5300U का आपको बहुत ही ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर देखने को मिलता है लेनोवो V15 लैपटॉप के अंदर, जिसका बेस क्लॉक स्पीड है 2.6 GHz एंड मैक्सिमम सबसे ज़्यादा 3.8 GHz का आपको क्लॉक स्पीड देखने को मिलता है लेनोवो V15 लैपटॉप के अंदर। उसके साथ साथ 4 कोर के साथ आपको 8 थ्रेड्स का सपोर्ट मिलता है। जी हाँ भाई, 4 कोर के साथ आपको 8 थ्रेड्स का सपोर्ट देखने को मिलता है इस लैपटॉप के अंदर एंड 4MB का L3 कैचे मेमोरी आपको देखने को मिलता है, जो बहुत ही बढ़िया बात हो जाता है। एंड 4GB का रैम है, 3200 MHz का रैम स्पीड आपको देखने को मिलता है, जिसको आप 8GB तक एक्सपेंड कर पाओगे। उसके साथ साथ 512GB का M.2 NVMe SSD आपको देखने को मिल जाता है, इसको भी आप एक्सपेंड कर पाओगे। AMD Radeon ग्राफिक्स आपको देखने को मिलता है लेनोवो V15 लैपटॉप के अंदर। फुल साइज कीबोर्ड आपको मिलता है, उसके साथ साथ नम पैड का सपोर्ट मिलता है, उसके साथ साथ DOS का आपको सपोर्ट मिलता है। विंडोज़ आपको, नो विंडोज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलता है लेनोवो V15 लैपटॉप के अंदर। अब दोस्तों इसकी प्राइस की बात करें तो यहाँ पर Amazon पे 29,000, यहाँ पर इसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है। Amazon पे 29,000 रुपये के अंदर लेनोवो V15 लैपटॉप आपको देखने को मिल जाएगा। भाई इसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है, जी हाँ भाई थोड़ा सा क्या, कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर प्राइस देखने को मिलता है, 30,000 रुपये के आसपास हो जा रहा है। पर दोस्तों मेरा बात मानो, ऑफर के अंदर, जी हाँ ऑफर के अंदर आप परचेस कर लेना, या फिर क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, बैंक ऑफर या फिर कोई भी स्पेशल ऑफर, अमेजोन का ग्रेट इंडियन फेस्टिवल या फिर न्यू ईयर सेल जो आता है या नया साल का जो सेल आता है, उसके अंदर आप परचेस कर लेना। लेनोवो V15 लैपटॉप आपके लिए सबसे बेस्ट एंड सबसे बढ़िया लैपटॉप होने वाला है, क्योंकि इसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है, पर इसका जो प्रोसेसर है काफ़ी पावरफुल है। AMD का प्रोसेसर मिलता है Ryzen 3 का, बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर है इस बजट रेंज के अंदर। तो लेनोवो का जो V15 लैपटॉप है आपके लिए भाई अभी के टाइम में सबसे बेस्ट लैपटॉप हो जाता है यहाँ पर 25,000 बजट के अंदर, क्योंकि ऑफर के अंदर आराम से 25 से लेकर 26,000 रुपये के अंदर ये लैपटॉप आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसका बेस्ट बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसको भी आप भाई परचेस कर सकते हो। तो यहाँ पर उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे टॉप 5 बेस्ट लैपटॉप अभी के टाइम में 25,000 बजट के अंदर भाई कौन सा हो जाता है। तो जो पांचों लैपटॉप का नाम मैं आपको बताया, इनमें से किसी एक लैपटॉप का परचेस करें ना आपके बजट के अनुसार। जी हाँ भाई, आपका जो बजट है आपके बजट के अनुसार आप किसी भी लैपटॉप को परचेस कर लेना, क्योंकि सारे आपको अलग अलग बजट के अंदर देखने को मिलता है। और जिनका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है यानी 25,000 रुपये से थोड़ा सा ऊपर है, उनको आप ऑफर पे परचेस कर लेना, आराम से आपको 25,000 रुपये के अंदर ये सारे लैपटॉप देखने को मिल जाएगा, जिनका प्राइस यहाँ पर आपको थोड़ा सा ज़्यादा देखने को भाई मिलता है। तो दोस्तों आज की वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, और आप उसके साथ साथ आपके सारे दोस्तों के पास ये वाला वीडियो शेयर जरूर से कर देना, ताकि आपके दोस्त को भी ऐसा वीडियोस पता चल जाए यानी 25,000 रुपये के अंदर कौन सा बेस्ट लैपटॉप है वो पता चल जाए। उसके साथ भाई यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन आपको दिख रहा है उसको भी आप ऑल पर सिलेक्ट कर लेना, क्योंकि ऐसे ही टॉप 5 लैपटॉप्स के वीडियो आपको फ्यूचर पे भी हमारे यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलते जाएंगे यानी मिल जाएंगे। तो फिलहाल दोस्तों आज का वाला वीडियो बस यार इतना ही।